देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं यह बता के आए हैं, आप जानते हैं जो MSK और SSK जो टीचर्स, ये सारे लोग जो एजिटेशन करते थे, उनको तो सारे फिनंशियली और डिप्राइव्ड हैं। केंद्र को जो शेयर सेंट्रल से जो शेयर आ रहे हैं, यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के देते थे, हर समय दे, हर साल दे रहे हैं, तो ये भी पूरा पैसा उसको नहीं आता है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो 40% वो भी नहीं मिलता है। एक फिनंशियली वंचित है। और उसके साथ साथ ये एजिटेशन जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उसको खिलाफ होने सारे पनिशमेंट जारी कर दिया। जो साउथ बंगाल में है उसको नॉर्थ बंगाल में भेज दिया। इसके कारण वो मनस्तात्विक दिख से इतने खराब बुरा स्थिति हो गया, दे ट्राइड टू कमिट सुइसाइड। और तो भी यहाँ दो टीचर्स है एडमिशन, और आरजी कौर में 3 है। अभी तक हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री उसको एक बार बात करने का समय नहीं मिला। मैं तो केवल यहाँ आए हैं, शिक्षक दो शिक्षिका यहाँ पर एडमिशनेबल है और एडमिशन ले चुके हैं, और उसको स्थिति क्या है ये जानने के लिए आए थे। मैं सुबर्ण के घर में गए थे, उनके पास उनका जो स्थिति हो मालूम हुआ, लेकिन उसको बता के मैं जो CCU में जाने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने बताया वहाँ PGT नहीं तो कंसल्टेंट मेरे साथ बात करेंगे। लेकिन जब गए वहाँ, सारे पुलिस हमको रोक दिया। ये एकदम बंगाल में कुछ डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड योर कॉमेंट्स आर वैल्यूबल एज वेल।